तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एंड्रॉयड के काफ़ी सारे एडिशनल शॉर्टकट्स बटन शॉर्टकट्स जेस्चर्स आपको बताए हैं जिसे आप काफ़ी सिंपल वे में अपने फ़ोन को स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे यानी कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन सिंपल क्लोज़ करना है है ना तो आप ओवर में जाते हो क्लोज़ करते हो वो सब करने की जरूरत नहीं है शॉर्टकट्स में आपको बताऊँगा फिर उसके बाद आपको स्क्रीन कैप्चर करना है उसके लिए भी जेस्चर परफॉर्म करके आप सीधा स्क्रीन निकाल सकते हो उसके बाद अगर आपको गूगल असिस्टेंट का जो फीचर है जो आप होम बटन प्रेस करके खोलते हो अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो टॉर्च के लिए ऑन ऑफ के लिए जेस्चर्स आप रख सकते हो है ना और ये सारी चीज़ें जो है डिफ़ॉल्ट में होती है स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी आप जेस्चर रख सकते हो है ना स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी आप कोई बटन अपने लिए रख सकते हो जैसे बैक बटन को होल्ड कर दे तो आपका स्प्लिट स्क्रीन खुल जाएगा मतलब ये कितना आसान है है ना और ये सारे फीचर्स आपको डिफ़ॉल्ट में मिलते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है तो कैसे ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे किस तरह से आप इसको यूज़ कर पाओगे कैसे इसमें आपको चेंजेस करने हैं सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताई है तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए तो इस जानकारी को सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और वीडियो को रिकमेंड करवाने के लिए जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो रिकमेंड होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जो है रिकमेंड करवाने के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने एंड में बताई है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें है ना ताकि जो है आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ पाए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप जाके जुड़ सकते हो फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल प्र सेट कर लेना क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना के के ये shortcuts देखने के लिए जो है हमें अपने फोन की सेटिंग फोन की की में में चलना होगा। हम लोग चलेंगे। में हम लोग लो जो है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाएंगे आप लोग अपने फोन के settings. सेटिंग के सर्च में जो है सीधे बटन शॉर्टकट्स सर्च कर सकते हो हम additional सेटिंग में चलेंगे

बटन शॉर्टकट्स फंक्शनल शॉर्टकट्स अब यहाँ पर सेटअप है, 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 है इसके लिए आप कोई आ, जो है जेस्चर रख सकते हो है ना आगे देखते हैं ठीक है टेक अ स्क्रीनशॉट अब स्लाइड थ्री फिंगर डाउन है ना जैसे मैं तीन फिंगर से डाउन करूंगा तो मेरा स्क्रीनशॉट निकल जाएगा लेकिन मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ जैसे ओ, 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 ओपन करेंगे उस ऑप्शन को जो ट्रिगर है जो अपलाई होगा मतलब ये जो सेटअप है शॉर्टकट ये अप्लाई होगा मतलब स्क्रीन शॉट होगा लेकिन किस चीज से अप्लाई होगा वो देखते हैं हम आगे अभी फिलहाल स्लाइड थ्री फिंगर डाउन जैसे हम तीन फिंगर से डाउन करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन निकल जाता है इस पर हमने चेक कर रखा है या फिर हम आगे चेंज भी कर सकते हैं इसको होम बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी हम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इस पर चेक करेंगे तो है ना जैसे हम चेक करेंगे तो होम बटन को लॉन्ग प्रेस करते ही हमारा स्क्रीनशॉट निकल जाएगा आप ये भी कर सकते हो मेन्यू बटन यानी कि ओवरव्यू बटन है अगर आप इसको अगर लॉन्ग प्रेस करते हो तो भी आपका स्क्रीनशॉट निकल जाएगा अगर आप इस पर चेक करूंगे तो बैक बटन पे लॉन्ग प्रेस करने पर भी आपका स्क्रीनशॉट निकल सकता है अगर आप इस पर चेक करूंगे तो पावर प्लस होम पावर प्लस होम बटन भी आप कर सकते हो पावर प्लस पावर प्लस ओवरव्यू बटन भी कर सकते हो पावर प्लस पावर प्लस बैक बटन भी कर सकते हो मतलब इतने सारे ऑप्शन है ठीक है और नन आप कुछ भी नहीं रख सकते अपने यहाँ पर अगर आपको लॉन्च गूगल असिस्टेंट अब हमें गूगल असिस्टेंट कैसे खोलना है होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके खोलना है ना तो इसको हम चेंज भी से है, है? कर सकते हैं जैसे तीन फिंगर से डाउन करके या फिर पावर बटन मेन्यू बटन या फिर लॉन्ग प्रेस ओवरव्यू बटन लॉन्ग प्रेस बैक बटन हम ये जो चीजें हमने आपको दिखाई वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो आगे देखते हैं टर्न ऑफ स्क्रीन अगर आपको स्क्रीन ऑफ करनी है अगर आपने स्क्रीन ऑफ नन टाइमिंग जो है नन रखा हुआ है है ना अगर आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप सीधे बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी वो सेटअप आप कर सकते हो है ना आगे दिखता दिखाते हैं टर्न ऑन टॉर्च नन रखा हुआ है हमने हम अपने हिसाब से जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं पावर बटन और मेन्यू बटन या फिर जो भी अगर आपको लगता है बार बार आपको टॉर्च लगाने की जरूरत है तो आप यहाँ से इसको वो सेटअप रख सकते हो है ना जैसे अभी टॉर्च के लिए अपना जो भी आपको फीचर चेंज करना है वो कर सकते हो क्लोज करंट ऐप नन है ना तो यहाँ पर हम आ, चेंज करके देख लेते हैं जैसे कोई भी ऐप आप आपने खोल रखा है और उसको आपको पूरी तरह से क्लोज करना है यानी कि पूरा क्लियर कर देना है क्लोज करना है डेटा क्लियर नहीं क्लोज कर देना है जैसे आप ओवरव्यू में जाके सिलेक्टेड ऐप को क्लियर करते हो या ऑल ऐप क्लियर करते हो तो वैसे अगर आपने करंट ऐप आप यानी कि जो एप्लीकेशन आपने खोल रखा है उस एप्लीकेशन को पूरी तरह से क्लोज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो जैसे इसको देखते हैं ओपन करते हैं आपका आप हो सकता है अगर आप ने long press किया long press the menu button. Long press menu button. तो. तो कर देंगे हम आगे और भी ऑप्शन हैं जिसपे आप ये रख सकते हो लेकिन हम ओवरव्यू बटन पे रख देते हैं. Check. ठीक है इस हमने चेक किया ठीक है करेंगे ठीक है है अब देखिए हमने close current app long press the menu button, अब है, हमने app, the menu button. है ना ये यहाँ पर हमने रखा हुआ है आगे वीडियो के इसका प्रैक्टिकल जरूर करेंगे पहले हम आगे और देख लेते हैं और हमें क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं अब स्प्लिट स्क्रीन के लिए बहुत सारे लोगों को समस्या होती है काफी बार लोगों ने हमें कहाक्रीन रेडमी नाइन रेडमी नाइन प्रो मैक्स रेडमी नाइन प्रो मैक्स टेन रेडमी नेट नोट टेन प्रो इनमें ओपन करने में बड़ी समस्या होती है अब आपको अगर स्प्लिट स्क्रीन ओपन करनी है तो क्या करोगे आप इसके लिए अब आप स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए पर को भी long press कर कर सकते हो बैक बटन अब हम बैक बटन पे लॉन्ग प्रेस करके स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं है तो हम भी यहाँ पर इसको बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन चलेगा इसको चेक करेंगे बैक कर लेंगे

सिलेक्टेड ऐप पे अगर नेविगेशन बटन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो सिलेक्टेड ऐप सिलेक्ट करके ठीक है ना? No अब अगर आप पावर बटन को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हो मतलब खुड़े जीरो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड जो है आप अगर उसको प्रेस करके रखोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा है ना तो ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो recording. Recording. है ना तो ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पर आपको uh, मिल जाते हैं शॉर्टकट्स अपने अकॉर्डिंग आप सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर रख सकते हो और काफी यूजफुल है तो आप ये सारे के सारे शॉर्टकट्स जो है यूज करें है ना अब SM हम यहाँ पर कोई खोल लेते खोलते हैं खोलेंगे अब हमें अगर इसको क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे सीधे Overview, Overview. को long press करेंगे देखिए फोर्स क्लोज प्ले प्ले स्टोर स्टोर एड लॉन्चर है ना प्ले स्टोर जो है फोर्स क्लोज हो गया इसने अनाउंस किया इसने है ना तो बैकग्राउंड में भी प्ले स्टोर हमारा रन नहीं कर रहा है तो मतलब ये कितना आप लोगों के लिए सिंपल है शॉर्टकट है है ना बैक बटन पे आप स्प्लिट स्क्रीन ओपन कर सकते हो है ना स्प्लिट स्क्रीन में applications, uh, जो है आपकी है ना यहाँ पर जो है एप्लीकेशन uh, आपको सिंपल खोलना है बैक, बैक बटन को uh, मतलब uh, अगर आपने शॉर्टकट में रखा हुआ है तो सिंपल uh, आप जो है यूज कर सकते हो बड़ा ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है शॉर्टकट्स पसंद आए और इन शॉर्टकट्स को आप यूज़ ज़रूर करोगे है ना फल है आपको आपके फ़ोन में जो जा जाना है एडिशनल सेटिंग में जाके सर्च करना है और ख़ास करके Redmi यूज़र्स को तो ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा Samsung यूज़र्स जो है उनको जो है सर्च करना पड़ेगा स्टॉक एंड्रॉय लोक के पास ये फीचर में भी शायद अवेलेबल नहीं रहेगा हाँ लेकिन सैमसंग यूजर्स के पास ये फीचर ज़रूर अवेलेबल होगा तो यूज़र्स जो है इसे यूज़ कर सकते हैं है ना सैमसंग यूजर्स के पास हो सकता है बाकी आ, जो अदर फ़ोन है जैसे आ, वीवो के फ़ोन है या फिर ओपो के डिवाइसेस है उनमें ये सब होते ही है ना रेडमी के फ़ोन में ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते ही है तो आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो तो मैं है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं तो वो भी वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद